This video is brought to you by Near Peer CSS. You guys can go and check them out. They're bringing a complete guide of past papers from 2016 to 2021. And in this video, I'm going to talk about one of the funniest CSS interviews incidents ever. जो या तो मेरे दोस्तों ने दिए, या फिर मेरे कजन ने, who is a CSP officer, या फिर उनके दोस्तों ने दिए थे और उनके साथ ऐसे blunders हुए थे. तो एक दफा मेरे दोस्त का जानने वाला जब CSS interview देने गया. तो जब अंदर गया, he was very tensed. जैसे ही वो अंदर गया, तो आते साथ उसने आगे जो पैनल बैठा हुआ था, उसको जाके कहता, मुझे पानी चाहिए. तो पैनल ने कहा, आपको पानी चाहिए? आप प्लीज बैठें. उन्होंने उसको आराम से बिठाया, उन्होंने दरबान को बुलाया, उन्होंने कहा कि इसके लिए पानी लेके आओ. उसके लिए पानी का ग्लास आया, उसको पानी पिलाया, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आपने पानी पी लिया? कहता, जी मैंने पानी पी लिया. उन्होंने कहा, अब आप जा सकते हैं. CSS इंटरव्यू की सारी गेम होती है आपके कॉन्फिडेंस लेवल की. इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग वाक्य है, और ये काफ़ी पुराना वाक्य है, कि जहाँ CSS इंटरव्यू लिए जा रहे थे, जिस रूम में, वहाँ दरवाज़ा था, दरवाजे के आगे चीख लगी हुई थी, ठीक है, साथ ही एक दरबान बैठा हुआ था. तो जैसे ही कैंडिडेट अंदर जाता था, चीख को पीछे करता था, तो चीख नीचे गिर जाती थी. तो साथ ही कैंडिडेट उसको उठाता था और कहता था, सॉरी सॉरी सॉरी, और दरबान को देता था, और फिर वो अंदर जाता था, ठीक है. इसी तरह एक कैंडिडेट जब गया, उसने दरवाज़ा खोल के जब चीख को आगे गया, तो वो ऊपर से एकदम नीचे गिर गई, तो उसने चीख को लात मारी और उसने दरबान से कहा कि यार ये तुम ठीक नहीं कर सकते, क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं आज CSS के इंटरव्यू में तुमने ये हाल किया हुआ है. और फिर वो जाके पैनल के पास गया, बैठा, और उसने इंटरव्यू दिया और उसकी सिलेक्शन होगी. उसको इस बात के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले कि यार तुम जहां इंटरव्यू देने आए, तुम अफसर के लिए इंटरव्यू देने आए, तुम किसी छोटी पोस्ट के लिए देने नहीं आए, जहां तुम उठा के सॉरी सॉरी कह के दरबान को दो. तो दरबान वाले से कहो यार तुम उठाओ, तुम्हारा काम है. अगर आप जाएंगे आप फंबल कर रहे हैं, और अगर आपकी बैक की सीधी नहीं है, और अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिल्कुल शैटर करने की कोशिश करते हैं. आप पैनल में अगर आपसे एक बंदा इंटरव्यू पूछ रहा है, आप उससे बात कर रहे हैं, तो जो बाकी पैनल के लोग होंगे ना, वो जानबूझकर आपसे बातें करने लग जाएंगे, ठीक है ना. वो कोई दरबान को बुला लेगा, कोई चाय मंगवा लेगा, तो आप फिर आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि यार मैं इतनी अच्छी बकवास कर रहा हूँ, वो सुन नहीं रहे, सिर्फ ये सुन रहे हैं. तो वो यही देखना चाहते हैं कि आपसे जिसने सवाल पूछा, आप उसी को देखें, उसकी आंखों में देखें, और ऐसे हाथों का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आप जिन लोगों के सामने बैठे हैं, वो बलाएं हैं, स्पेशल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, स्पेशल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. तो आपने ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं, आपने हाथों का इस्तेमाल करके उन्हें एंगेज नहीं करना, आपने अपने कंटेंट, अपनी बातों से उन्हें एंगेज करना. क्योंकि जितना इंटरव्यू आपका ज्यादा लंबा चले जाता है, उतने ही चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाएं, और जितना आपका छोटा जाता है, इसका मतलब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है. और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि विद इन 30 सेकेंड्स इंसान डिसाइड कर लेता है यार इस बंदे को आगे चलाना या नहीं चलाना. क्योंकि CSS एक ऐसी जगह है जहां डेरा गाजी खान में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ अमजद और डिफेंस लम्स से पढ़ी हुई सिद्रा एक ही तराजू में तोले जाते हैं. अब सारे इकट्ठे आके उन्होंने देखना है जो बंदा आ रहा है, क्या ये इतना कैपेबल है कि इसको एक अफसर की सीट में बिठा दिया जाए, क्या इसकी ये सोच है या इसका ये उठना चलना है कि उसको एक अफसर की सीट में बिठा दिया जाए. तो अगर आप उन्हें विद इन 30 सेकेंड्स एक इंप्रेशन बना देते हैं और वो सोच लेते हैं इसको आगे लेके जाना है, तो आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा आप बताएं, जो ख्वातीन के हकूक के मसाइल हैं, इनके लिए क्या इकदाम करने चाहिए. और अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको नहीं रखना, तो फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, युगांडा के 7th प्रेसिडेंट का नाम बताएं. अगर वो समझते हैं उन्होंने आपको रखना है, तो आपसे पूछेंगे 1947 में जो पार्टीशन हुई, उस बारे में आपका क्या एनालिसिस है. अगर वो समझते हैं उन्होंने आपको नहीं रखना है, तो पूछेंगे इथोपिया में गैस निकलती है, पेट्रोल निकलता है. और फिर हमारे कुछ पंजाब के कैंडिडेट्स इतना पढ़कर जाते हैं कि वो हर बात का जवाब दे देते हैं. उनसे पूछा जाए ना, अच्छा आप बताएं जो मंकी है उसका रेक्टल टेम्परेचर क्या है, बता देंगे. अच्छा जो माउंट एवरेस्ट है उसके टॉप में जो विंड स्पीड है वो क्या, बता देंगे. अच्छा सन के सेंटर के रेडियस से लेकर जुपिटर के सेंटर के रेडियस तक टोटल कितना डिस्टेंस है, पंजाब के कैंडिडेट वो भी बता देंगे. मगर फिर भी उनकी सिलेक्शन नहीं होती, क्योंकि 300 बच्चा रिटर्न पास करते हैं और उसमें से सिर्फ 100 बच्चे को उन्होंने इंटरव्यू पास करके आगे लेके जाना है. ऑन कॉन्ट्रारी जो सिंध के बच्चे होते हैं, उनका इंटरव्यू बेशक सारा सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर कह के निकल जाए, मगर वो हो जाते हैं सिलेक्ट, क्योंकि सिंध में पास ही 110-120 बच्चा होता है और उसमें से भी उन्होंने 100 बच्चा रखना होता है. अच्छा आपका कॉन्फिडेंस ऐसे खत्म करते हैं वो, कि जब मेरे कजन का CSS इंटरव्यू हो रहा था, तो उनसे पूछा गया कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, उन्होंने कहा मैं बाहर यूनिवर्सिटी लंदन से पढ़ के आए थे. तो साथ ही पैनल में एक बंदा कहता कि मुझे तो यूनिवर्सिटी पसंद ही नहीं है, तो इसका क्या जवाब हो सकता है. मगर मेरे कजन ने यह कहा उस वक्त कि बिल्कुल आपका ये पर्सपेक्टिव होगा, आपको यूनिवर्सिटी नहीं पसंद, मुझे पसंद थी तो मैं वहां पढ़ने चला गया. और फिर मेरा कजन जब एक पैनल के एक बंदे से जवाब आंसर क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं वो पूछ रहा है, तो दूसरा बंदा उठा, ठीक है,
उठ के मेरे कजन के जाके पीछे खड़ा हो गया। अब एक ह्यूमन नेचर है कि जब आप उठ के किसी को देखते हो जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप मेरे जैसे बंदा तो ऑटोमेटिकली देख ले उसको, भाई कहाँ जा रहा है, भाई पीछे क्या हो रहा है, तो वो जाके पीछे खड़ा हो गया। मगर आपने अपना सर बिल्कुल भी नहीं मोड़ना, उन्होंने ये देखना कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो नहीं हो रहे, कि आपकी नजरें बिल्कुल उसी बंदे पर टिकी रहे जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा। और पीछे जाके देख रहा होता है कि आप बैठे कैसे हो, क्रॉस लेग्ड बैठे हो। कुछ तरीके होते हैं सीएसएस इंटरव्यू में बैठने के, आपके हैंड्स की प्लेसमेंट क्या है, शेक तो नहीं कर रहे आप। इतनी बड़ी बला सामने बैठ के आपसे क्वेश्चंस कर रही है और पीछे भी एक ब्ला खड़ी है जो आपको देख रही है, भी बच्चा कैसा है। एक और इंटरेस्टिंग केस के एक कैंडिडेट से पूछा कि अगर आपका सीएसएस इंटरव्यू क्लियर नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे। कहता सर कोई मसला नहीं, हमारी बहुत ज़मीनें हैं सर, फिर मैं वहाँ उनको देखभाल करूँगा, कोई मसला नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा जाओ उन्हीं की देखभाल करो तुम जाके। और अक्सर बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, वो इंटरव्यू को उस तरफ खुद ले जाते हैं जहाँ वो लेके जाना चाह रहे होते हैं। जैसे बहुत से बच्चे जो पैनल होता है उनके शौक को या उनकी बैकग्राउंड को स्टडी करके जाते हैं कि अच्छा है जो पैनल में बैठे हैं, ब्रिगेडियर बैठा हुआ है, सेक्रेटरी बैठा हुआ है, इनको इनको पसंद क्या है, इनकी हॉबीज़ क्या हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था और उसका आगे से एक दोस्त था, वो पता चल गया उसको जो चेयर है पैनल का उसको शेर व शायरी का बहुत ज़्यादा शौक है। ठीक है, अब चेयर ने उसके मेरे दोस्त के दोस्त से क्वेश्चन पूछा कि अमेरिका की अफगानिस्तान में जो इंटरफेरेंस है इस सिचुएशन के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। तो वो बच्चा अपना आंसर शुरू करता है कि सर जैसे इकबाल ने फरमाया, खुदी पहचान ए गाफिल अफगान। तो देखिए हमें ऐसे उसका हर जवाब अब शेर व शायरी से ही शुरू हो रहा था, बात चेयर कुछ पूछता था वो लेके चले जाता था कि सर जैसे कि फायज ने कहा, जैसे कि गालिब ने कहा। इवेंचुअली बात शेर व शायरी से चलेगी किताबों पर, और किताबों का तो बहुत शौक था चेयर को, वो यही पढ़ गया था कि शेर व शायरी किताबों का बहुत शौक है। वहां से बात चलेगी दीवानों पर, और वहां से बात कहीं से कहीं चलेगी, और उस बच्चे का इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। इसी तरह एक और कैंडिडेट जो कि मेरे कजन का डायरेक्ट दोस्त था, उसने पहले पैनल को स्टडी कर लिया, पैनल में से किसको क्या पसंद है। उसमें एक ब्रिगेडियर था जिनको हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक था। अब जब बात शुरू हुई वो जो कैंडिडेट था ऑटोमेटिकली ले आया बात हॉर्स राइडिंग पे कि या मुझे हॉर्स राइडिंग का भी डेफिनेटली शौक है, मैं ये देखता हूं। तो जैसे ही ब्रिगेडियर ने ये सुना कि इस बच्चे ने हॉर्स राइडिंग का जिक्र किया, ब्रिगेडियर बाकी पैनल से कहता आई टेक इट फ्रॉम हियर। और फिर बाद में उसने उस बच्चे से हॉर्स राइडिंग के बारे में पूछने लग गया कि कौन सी ब्रीड्स हैं, क्या आपका पैटर्न है। तो उस बच्चा सारा स्टडी करके गया होता है, वो सारा बोलता कि हालांकि वो कभी घोड़े के ऊपर नहीं बैठा, मगर सिर्फ अपनी स्मार्टनेस की वजह से वो इंटरव्यू एस कर गया। क्योंकि आप जितना एंगेज करोगे, जितना जो पैनल है आप में इंटरेस्ट ले रहा है, उतना ही आपके लिए अच्छा, क्योंकि डेफिनेटली वो आप में कुछ देख रहे हैं कि यार इस बच्चे को हम पास कर सकते हैं। अच्छा, सीएसएस के इंटरव्यू में जो मुझे इंटरेस्टिंग बात पता चली अपने कजन से वो ये थी कि आपने ना वहाँ फॉर्म में पहले लिखना होता है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं दो, और फेवरेट बुक्स कौन सी हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत से पाकिस्तानी बच्चे जो कैंडिडेट्स होते हैं जो बुक्स का नाम लिखते हैं उन्हें उन बुक्स के बारे में पता ही नहीं होता, और आपका अक्सर इंटरव्यू का काफ़ी हिस्सा उन बुक्स या उन पर्सनैलिटीज़ की डिस्कशन में ही चले जाता है। तो मैंने अपने कज़न से पूछा कि आपने कौन सी पर्सनैलिटीज़ लिखी थी। तो उन्होंने कहा मैंने एक पर्सनैलिटी लिखी थी लुइस फराह खान मोहम्मद। तो मैंने कहा अपने दूसरी पर्सनैलिटी का नाम क्या लिखा, कहते ओन संग सुकी। मैंने कहा कि वुंगसू वांगड़ू, कहते थे ओन संग सुकी। वो म्यांमार की ओपोजिशन की पॉलिटिकल लीडर थी, जैसे बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान में है उसी तरह की इंपॉर्टेंस रखते हुए जो म्यांमार में थी वो ये लीडर थी। तो इट्स लाइक मुझे इन लीडर्स का नाम भी नहीं बोलना आता, और मुझे इन लीडर्स के बारे में पता भी नहीं, और कैसे सीएसएस जो कर रहे हैं उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल और नॉलेज लेवल होता है वो कहां चले जाते हैं, रिगार्डलेस वो पास करते या नहीं करते। सीएसएस जो कि पाकिस्तान का सबसे कंपेटिटिव एग्जाम है, और उसको पास करने के लिए डेफिनेटली आपको रिपीटेड असेसमेंट्स देनी चाहिए, अपने आप को इवेलुएट करवाना चाहिए, और नियर पियर सीएसएस एकेडमी आपको आपके पेपर्स घर की ही ईज में चेक करके दे रही है। इनके 4 नए सेशन स्टार्ट हो रहे हैं अक्टूबर से जनवरी तक, आप जाएं अपने पेपर्स वहां से असेस करवाएं, अपने पेपर्स वहां से वैल्यूएट करवाएं, ताकि आप भी इस काबिल बने इंशाल्लाह कि आप इवेंचुअली सीएसएस इंटरव्यू में जा सकें। और अगर आपके पास ऐसे कोई भी इंटरेस्टिंग वाकयात हैं सीएसएस इंटरव्यू से रिलेटेड तो आप ज़रूर उन्हें कमेंट्स में मेंशन करें, ताकि इसके जरिए बाकी लोगों को भी जिन्होंने अब सीएसएस पास कर लिया इंटरव्यू देना है उन्हें कुछ आइडिया हो कि कैसी बोंगियां मारनी है और कैसी बोंगियां नहीं मारनी। वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने अब सीएसएस इंटरव्यू देने हैं, आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बनाए और पाकिस्तान के हालात बेहतर करने की तौफीक दे।